नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आईएसएल के सातवें सीजन की हुई शुरुआत। एटी के मोहन बागान ने केरला ब्लास्टर्स को हराया। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के टिकट कुछ ही घंटों में बिके। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनलिस्ट पॉइंट्स के परसेंटेज से तय। नोवाक जोकोविच पहुंचे वर्ल्ड सीरीज के सेमीफाइनल में। देश के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग के सातवें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के दौरान देश में आयोजित हो रहा यह पहला मेजर स्पोर्टिंग इवेंट है। इस बार टूर्नामेंट में अब तक की रिकॉर्ड 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच 115 मैचेस खेले जाएंगे। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए ये मुकाबले बिना दर्शकों के और सिर्फ गोवा के ही 3 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। कल शाम खेले गए इस सीजन के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस एटी के मोहन बागान ने केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हरा दिया। सुनते हैं अभिषेक झा की रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग के सातवें सीजन की शुरुआत हो गई। पहला मैच खेला गया केरला ब्लास्टर्स बनाम एटी के मोहन बगान के बीच में, और इस मुकाबले में एटी के मोहन बगान की टीम, जो कि पहली बार इंडियन सुपर लीग में खेल रही थी, एटीके की टीम तो चैंपियन है। मोहन बगान के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था, तो पहली बार एटीके मोहन बगान बनी और पहले मैच में उन्होंने केरला ब्लास्टर्स की टीम को 1-0 से हरा दिया इस मैच में, और यहां से अपने जीत के साथ शुरुआत की। रॉय कृष्णा, याद रखिए, पिछले सीजन में इन्होंने एटीके के लिए 15 गोल किए थे। उनका जो फॉर्म है वो उसी फॉर्म को जारी रखा, और गोवा में भी इन्होंने गोल किया, 1-0 से जीत दिला दी। अगर मैच के स्टैट पर हम बात करें तो कुल मिलाकर केरला ब्लास्टर्स ने 12 शॉट्स अटेम्प्ट किए थे, लेकिन नो शॉट ऑन टारगेट, यानी कि कोई भी शॉट ऐसा था नहीं कि टारगेट के आसपास हो। वहीं पर अगर बात की जाए हम एटी के मोहन बगान की करें, तो इन्होंने 8 जो हिट है वो उन्होंने लिए थे, जिसमें से कि 2 हिट जो हैं वो टारगेट पर हैं। फुटबॉल में कहा जाता है कि पोजीशन आपके पास हो तो मौके भी आपके पास ज्यादा बनते हैं, लेकिन यहां पर कहानी अलग रही, क्योंकि 68% जो पोजीशन था वो केरला ब्लास्टर्स के हाथ में था, सिर्फ 32% जो पोजीशन था वो एटी के मोहन बगान के पास में था, लेकिन जो एक स्ट्राइक रॉय कृष्णा ने किया दैट वाज मोर देन इनफ की जीत के साथ शुरुआत कर दी है एटी के मोहन बगान की टीम ने। कमाल का परफॉर्मेंस रहा। हालांकि मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो केरला ब्लास्टर्स की टीम ज्यादा वहां पर दमखम भरती हुई नजर आई, लेकिन अटैकिंग थर्ड में रॉय कृष्णा का जो प्रेजेंस था वो कहीं ना कहीं केरला ब्लास्टर्स के डिफेंडर्स के लिए हमेशा ही पूरे मैच में जो एक तरीके से कहा जाएगा कि काफी चुनौतीपूर्ण था, और उसी का फायदा उठाया। 67वें मिनट में रॉय कृष्णा ने गोल किया, ये पहला गोल है इस सीजन का, और 1-0 से अपनी टीम को जीत दिला दी। इस बार का इंडियन सुपर लीग किस मायने में इससे पहले खेली गई लीग से अलग है, बता रही हैं नीति रावत। अब तक की ये सबसे बड़ी लीग होगी, क्योंकि पहली बार इसमें 11 टीम्स खेल रही हैं और कुल 115 मुकाबले खेले जाएंगे। चैंपियन अगले साल मार्च में मिलेगा। ईस्ट बंगाल लीग में शामिल हुई 11वीं टीम है। इस साल 27 सितंबर को ईस्ट बंगाल की टीम ने लीग में एंट्री मारी। डिफेंडिंग चैंपियन एथलेटिको डी कोलकाता इस साल जुलाई में आई लीग की टीम मोहन बागान के साथ मिल गया था। इसके बाद टीम का नाम एथलेटिको डी कोलकाता मोहन बागान हो गया है। नाम बदलने की वजह से इसे एक नई टीम के तौर पर भी देखा जा रहा है, और तकनीकी रूप से ये भी कहा जा सकता है कि एक नहीं 2 नई टीमें इस बार शामिल हो रही हैं। इस बार की लीग में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं उनमें हर क्लब को कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 विदेशी खिलाड़ियों को साइन करने का ऑप्शन है। इन विदेशों खिलाड़ियों में कम से कम एक खिलाड़ी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के देशों से होना चाहिए। ये नियम पिछले सीजन में नहीं था।
कोरोना के चलते इस बार हर टीम में 35 खिलाड़ियों को जगह दी गई है और इस बार नए नियम के मुताबिक अब 3 की जगह 5 सब्स्टिट्यूट किए जा सकेंगे। कोविड-19 के चलते सभी मैच गोवा के 3 वेन्यू पर बायो बबल में होंगे। दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। अब क्योंकि मैच में फैंस की एंट्री बैन है, इसलिए फैन वॉल बनाई जाएंगी। जिन 3 स्टेडियम्स पर ये मैच खेले जाएंगे उनमें मडगांव का फाटोडा स्टेडियम, बैम्बुलिम का जेएमसी एथलेटिक स्टेडियम और वास्को द गामा का तिलक मैदान स्टेडियम शामिल है। कोरोना के दौरान खिलाड़ियों की हेल्थ पर नजर रखने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें सभी को रोजाना अपनी हेल्थ कंडीशन की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यही नहीं, टूर्नामेंट की प्राइज मनी पिछली बार से 3.5 करोड़ रुपए बढ़ गई है। पिछले सीजन में प्राइज मनी 15 करोड़ रुपए थी जो अब बढ़कर 18.5 करोड़ रुपए हो गई है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं नीति रावत। भारत और ऑस्ट्रेलिया की शुक्रवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए स्टेडियम में 50% फैंस की एंट्री को मंजूरी दे दी गई है। बताया गया है कि सीरीज के 2 वनडे और 3 टी20 के लिए कल टिकट्स की ऑनलाइन बिक्री शुरू की गई और आधे ही दिन में सभी सीटें फुल हो गईं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत शुक्रवार 27 नवंबर को सिडनी वनडे से हो रही है। पहले वनडे के लिए कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं। हालांकि अगले 2 वनडे और 3 टी20 के लिए स्टेडियम हाउसफुल हो गया है। इसके बाद दोनों टीमें 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगी जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर को एडिलेड में डे नाइट टेस्ट से होगी। इस टेस्ट के लिए 50% दर्शकों को मैच देखने के लिए मंजूरी दी गई है। स्टेडियम की क्षमता 54,000 दर्शकों की है। क्रिसमस वीक में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में 25,000 फैंस को एंट्री मिलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए एक उम्र तय कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक डेब्यू करने के लिए किसी भी प्लेयर की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। आईसीसी ने यह नया नियम प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए बनाया है। ये नियम सभी आईसीसी टूर्नामेंट्स, बायलेटरल सीरीज और अंडर-19 मैच में लागू होगा। आईसीसी के मुताबिक अगर कोई देश इससे कम उम्र के प्लेयर्स को शामिल करना चाहता है तो उसे पहले ही आईसीसी को बताना होगा। संबंध देश को ये बताना होगा कि वो इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि 15 से कम उम्र के प्लेयर्स अपने देश में डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल सकेंगे। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं थी। पाकिस्तान के हसन रजा इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1996 में 14 साल और 227 दिन की उम्र में टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। आईसीसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट को तय करने के लिए नए प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है। अब टीम के पॉइंट्स के परसेंटेज के आधार पर टॉप 2 टीम्स तय की जाएंगी। इस सिलसिले में क्रिकेट कमेटी की सिफारिशों को मान लिया गया है और अब नई रैंकिंग इस बेसिस पर तय की जाएगी। नई रैंकिंग के हिसाब से अभी ऑस्ट्रेलिया टॉप पर और भारत दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट संजय बनर्जी से। देखिए, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा और इस तरह से एक के बाद एक सीरीज कैंसिल करनी पड़ेगी। तो जाहिर है आईसीसी ने जो फैसला लिया है उनके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल थे उन ऑप्शंस में से ये बेस्ट ऑप्शन है और इसके मुताबिक जो पॉइंट्स आपने हासिल किए हैं उन पॉइंट्स के परसेंटेज के आधार पर ये तय होगा कि फाइनल कौन सी 2 टीमें खेलेंगी टेस्ट चैम्पियनशिप की। और अगले साल जून में ये फाइनल खेला जाना है। अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टॉप 2 की पोजीशन पर हैं। भारत नंबर 2 पर है और ऑस्ट्रेलिया इस समय टॉप पर है, लेकिन ये पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स के परसेंटेज पर होगा। मतलब ये कि अगर किसी टेस्ट सीरीज़ को खेलने के लिए 120 पॉइंट्स मिलते हैं टोटल, और उन 120 पॉइंट्स में से अगर 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है तो आप मान लीजिए कि वो 40-40 पॉइंट्स पर टेस्ट के हिसाब से डिवाइड किए जाएंगे, और अगर उसमें से मैच ड्रॉ होते हैं तो आपको 20-20 पॉइंट्स मिलेंगे।
अब आपने उस तरह की चार सीरीज खेली हैं, यानी कि 480 पॉइंट्स आप ले सकते थे, लेकिन आपने उसमें से 360 पॉइंट्स ही लिए हैं। तीन सीरीज आपने क्लीन स्वीप की हैं और एक सीरीज में आप कुछ भी नहीं जीत सके हैं। तो उस लिहाज से उन जो पॉइंट्स आपको मिला है, उन पॉइंट्स का परसेंटेज क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी दो टीमें पहुँच रही हैं, ना कि ये कि किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए। क्योंकि कुछ देशों ने संभवतः जब तक ये मार्च 2021 यानी कि अगले साल तक ये तय किया जाएगा, तब तक हो सकता है कुछ कंट्रीज़ ने ज़्यादा सीरीज़ खेली हो और कुछ ने कम। अभी तक आप देखें कि 9 देशों को 2019 से मार्च 2021 तक 6-6 सीरीज़ खेलनी थी, और कोविड की वजह से कई सीरीज़ रद्द हुई हैं, कैंसिल हुई हैं। भारत और इंग्लैंड, पाकिस्तान ने 4-4 सीरीज़ खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने 3-3 सीरीज़ खेली हैं, श्रीलंका, वेस्टइंडीज़, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ने सिर्फ 2-2 सीरीज खेली हैं। तो अगर आप परसेंटेज नहीं निकालेंगे तो जिन्होंने कम सीरीज खेली हैं उनके लिए नुकसान की बात होगी। तो ये फॉर्मूला तय किया गया है और लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और उसमें संभवतः किसी टीम को बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। एटीपी वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल लाइनअप तय हो चुका है। कल लंदन में खेले गए मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 7-6, 6-3 से पराजित कर दिया। इससे पहले राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव और डोमिनिक थियम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल ने डिफेंडिंग चैंपियन वर्ल्ड नंबर 6 स्टेफोनास सित्सिपास को हराया था। नडाल ने उन्हें 6-4, 4-6, 6-2 से हराया था। वो अब सेमीफाइनल में डेनियल मेदवेदेव से भिड़ेंगे, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला डोमिनिक थियम से होगा। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।